आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे आप अपनी एक्सटर्नल ड्राइव में विंडोज को इंस्टॉल कर सकते हो। नाउ एग्जैक्टली इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है या फिर एक SSD है, आपको एक फ्रेश इंस्टॉलेशन चाहिए, फ्रेश विंडोज चाहिए। सो आप क्या कर सकते हो, आपकी जो एक्सटर्नल SSD या फिर हार्ड ड्राइव है आप उसके ऊपर विंडोज को इंस्टॉल कर सकते हो एंड USB बूटेबल बना सकते हो सो दैट आपको एक फ्रेश विंडोज मिल जाए। सिस्टम आपका एक ही रहेगा लेकिन विंडोज आपके पास दो हो सकती हैं, एक आपके सिस्टम में जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है एंड सेकंड जो आप इंस्टॉल करोगे अपनी एक्सटर्नल ड्राइव पे। नाउ एग्जैक्टली इसको करना कैसे है वो तो अभी मैं आपको बताऊंगा ही। नाउ इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या होगा, सो आपको चाहिए होगा एक कुछ इस टाइप की केसिंग या फिर एक एक्सटर्नल आप हार्ड ड्राइव भी ले सकते हो। मैं जो यूज कर रहा हूँ मैंने ये एक्सटर्नल केसिंग ली है एंड इसके अंदर जो SSD है वो 250 GB की है WD कंपनी की। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नाउ जो एक्सटर्नल क्लोजर्स है ना यहाँ पे जो केसिंग है बेसिकली वो दो कंपनीज है जो मैं यूज करता हूँ यहाँ पे, कैबलेट एंड सेकंड वन इज ओरिको। सो ओरिको को मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करता, मैं कैबलेट को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, इसकी स्पीड मेरे को ज्यादा अच्छी लगी है, एज सच इसमें कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं लगी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। नाउ यहाँ पे हमारे पास ये दो चीजें आ चुकी हैं, अब इसके बाद हमें क्या करना है, सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड वहां मैं आपको बताता हूं। हमने ओपन कर लिया है गूगल क्रोम एंड यहां पे जो फर्स्ट स्टेप है वो है विंडोज इमेज को डाउनलोड करना। नाउ ये डिपेंड करता है आपके ऊपर एंड आपके सिस्टम के ऊपर। अगर आप विंडोज 11 यूज करना चाहते हो देन आप विंडोज 11 को डाउनलोड करोगे एंड अगर आप विंडोज 10 को यूज करना चाहते हो देन आप विंडोज 10 डाउनलोड करोगे। सो यहां पे आप देख सकते हो मीडिया क्रिएशन टूल, यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे करना है क्लिक, देन उसके बाद यहाँ से आप चाहो तो मीडिया क्रिएशन जो टूल है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो या फिर पूरी की पूरी जो इमेज है वो आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो डाउनलोड विंडोज 11 डिस्क इमेज ISO फॉर 64-bit डिवाइसेज। सो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है विंडोज 11, देन उसके बाद डाउनलोड पे करना है क्लिक, यहाँ पे वैलिडेट करेगा, देन उसके बाद आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। यहाँ से आप जाओगे इंग्लिश इंटरनेशनल पे, देन उसके बाद कन्फर्म एंड अगेन ये वैलिडेट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिंक हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है विंडोज 11 जो है वो सिर्फ 64-bit के लिए ही है। सो यहाँ पे आपको मेक श्योर आप ध्यान रखें जो आपकी विंडोज डाउनलोड होगी वो 64-bit की ही होगी। सो यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, इसको मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ बिकॉज ऑलरेडी मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। देन उसके बाद आपको आना है इस वेबसाइट पे, नाम है Haslio सॉफ्टवेयर, लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। इस एप्लीकेशन के थ्रू हम जो अपनी ड्राइव है उसको हम बूटेबल बनाएंगे। इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड, वैसे मैं इसको भी डाउनलोड कर चुका हूँ। सो यहाँ पे अब हमारे पास जो चीज़ें आ चुकी हैं वो है ये, यहाँ पे Haslio सॉफ्टवेयर एंड यहाँ पे विंडोज इमेज। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं इस सॉफ्टवेयर को Win2USB एंड ये जो सॉफ्टवेयर है ये एब्सोल्युटली फ्री है। आई एक्सेप्ट द अग्रीमेंट, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इंस्टॉल, फिनिश पे करेंगे क्लिक। एप्लीकेशन ओपन होते ही आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, आपको सिलेक्ट करना है फर्स्ट ऑप्शन विंडोज टू गो USB, देन आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले सिलेक्ट करनी है अपनी विंडोज इमेज फाइल, यहाँ पे करेंगे क्लिक, देन उसके बाद ब्राउज इमेज पे करेंगे क्लिक। नाउ यहाँ पे जहां पे भी आपकी इमेज फाइल सेव है विंडोज की आप उसको वहां से सिलेक्ट कर सकते हो। मेरी विंडोज की जो इमेज फाइल है वो सेव है डाउनलोड्स में Win एंड दिस इज माई विंडोज इमेज। यहां से इसको मैं करूंगा ओपन। अब हमें सिलेक्ट करना है अपना डेस्टिनेशन ड्राइव, यहां पे आप देख सकते हो इस पे करेंगे क्लिक एंड मेक श्योर आपका जो एक्सटर्नल ड्राइव है हार्ड ड्राइव या फिर आपकी SSD वो यहां पे कनेक्टेड हो। इसको करेंगे सिलेक्ट, देन उसके बाद यहां पे ऑप्शन है पार्टीशन स्कीम, मेक श्योर GPT फॉर UEFI यहां पे सिलेक्टेड हो। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, प्रोसीड पे करना है क्लिक। देन आपके सामने एक वार्निंग मैसेज आएगा कि जितना भी डेटा है वो डिलीट हो जाएगा आपकी डेस्टिनेशन ड्राइव पे, तो मेक श्योर आपका कोई भी डेटा आपकी डेस्टिनेशन ड्राइव पे सेव नहीं होना चाहिए एंड अगर सेव है तो उसको पहले ही आप बैकअप कर लो। सो यहां से yes पे करेंगे क्लिक। नाउ यहां पे ये सॉफ्टवेयर कुछ टाइम लेगा, उसके बाद हमारा जो एक्सटर्नल ड्राइव है वो बूटेबल बन जाएगा। A few moments later, the operation completed successfully. Now just आपको फिनिश पे करना है क्लिक एंड अपने सिस्टम को कर देना है शट डाउन। तो यहाँ पे मेरी जो ड्राइव है वो कनेक्टेड है, अभी मैंने इसको डिसकनेक्ट नहीं करा था। ये आप देख सकते हो यहाँ से ये केबल है एंड दिस इज द ड्राइव। सो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट पावर बटन को करना है प्रेस। नाउ अब मैं अपने कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा F12 की को। यहाँ से मैं बूट डिवाइस को सिलेक्ट कर सकता हूँ कौन सी ड्राइव से मुझे बूट करना है, दैट इज वाई मैंने अपने कीबोर्ड पे F12 की को प्रेस किया था। आपके PC या फिर आपके लैपटॉप के लिए ये जो की है ये डिफरेंट हो सकती है। सो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा विंडोज बूट मैनेजर
और ब्रैकेट में है कैबलेट यूएसबी। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, एकदम ही फ्रेश विंडोज हमारे सामने आ चुकी है। यहां पे हम कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं एंड जो एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर्स हैं उसको मैं यहां पे चेक भी कर सकता हूं। मैं जल्दी से इंटरनेट यहां पे इनेबल कर देता हूं एंड यहां से अब मैं अपडेट्स पे जाऊंगा, सेटिंग्स, देन उसके बाद अपडेट्स। जितनी भी अपडेट्स हैं यहां पे अवेलेबल अपडेट्स होंगी उसको भी मैं यहां पे अपडेट कर लूंगा। तो आपके सामने पूरी की पूरी फ्रेश इंस्टॉलेशन यहां पे हो चुकी है एंड ये जो इंस्टॉलेशन है, ये जो विंडो है, ये मेरे एक्सटर्नल ड्राइव पे है। इसको मैं कभी भी निकाल के रख सकता हूँ, वापस इसको मैं यूज कर सकता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी जो एक्सटर्नल ड्राइव है उसको बूटेबल बना सकते हो। पूरा का पूरा एक न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा आपके पास। बहुत बार ऐसा होता है, कुछ लोग इंस्टॉल करते हैं एक ही सिस्टम पे दो विंडोज, लेकिन कभी कभी वो क्लैश हो जाता है। लेकिन इस मेथड से एक्सटर्नल चीज पे है, आप इसको कभी भी निकाल के रख सकते हो। अगर आपका बहुत ही सिक्योर वाला डेटा है, आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि कोई उसको एक्सेस करे, देखे, देन आप इस चीज का यूज कर सकते हो। एक्सटर्नल ड्राइव पे अपनी विंडोज को इंस्टॉल करो, आराम से जो भी करना है करो, जब आपका काम हो जाए निकाल के एक्सटर्नल ड्राइव ले जाओ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं पर्सनली ये मेथड यूज करता हूँ जब मुझे कोई न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, ट्राई करना होता है। हो सकता है उसमें कुछ वायरस हो, मालवेयर वो हो, या फिर कुछ ट्रोजन उसमें हो, सो दैट इज़ वाई मैं ये वाला मेथड यूज़ करता हूँ, एक्सटर्नल ड्राइव लगाता हूँ। उस पर अगर कुछ करप्ट भी होता है तो एज सच मेरा इस पर डेटा नहीं है, मेरा यूज़ ऐसे होता है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ आपका यूज़ किस तरीके से होगा अगर आप अपने एक्सटर्नल ड्राइव को विंडोज पोर्टेबल बनाते हो। तो वीडियो अच्छा लगा है सो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दिस इज जतिन साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।